Next question number 9. A river 3 meter deep and 40 meter wide. Height आपको दे रखी है. लिखते जाओ. Height is 3 meter. और ब्रेथ 40 मीटर. इट इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. 2 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती है? स्पीड की. तो हमें दे रखी है स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट. क्या बोल रहे हैं? जो है वो फ्लो कर रही है. अब 1 मिनट में सी के अंदर कितना पानी गिर रहा है? 1 मिनट में कितना गिर रहा है? हमें वॉल्यूम ढूंढने हैं. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. ब्रेथ है, हाइट है, लेंथ गायब है, उसकी जगह हमें दे रखी है स्पीड. स्पीड कैसे दे रखी है? कि 2 किलोमीटर पर आवर यानी 1 आवर में इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर. 1 आवर मतलब कितने मिनट्स? 60 मिनट्स. 60 मिनट्स में 2 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा? बोलो. 2 × 1/60. पर 2 क्या है? किलोमीटर. ये सब क्या है? मीटर. तो हमें इस 2 को भी चेंज करना पड़ेगा इनटू मीटर. कितना हो गया? 2000/60. पता चलेगा क्या करा अपन लोगों ने? उन्होंने बोला 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है, तो इसलिए अपन ने 1 मिनट का आंसर निकाला कि 60 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा? इट इज 2000 m/60. इसको अपन ने कट कर दिया. 2 × 3 = 600. तो हमारे पास आंसर आया 100/3 meter. ये हमारे लिए हो गई लेंथ. अब लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. कर लीजिए.